बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मैं पूरी दिल की गहराइयों से और जोश व खरोश से रमज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कर रहे होंगे। क्योंकि हमने इस दफ़ा रमज़ान से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, और अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है तो हमने अल्लाह ताला को मनाना है। क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगले साल हमें ये नसीब हो या ना हो, अभी भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि थोड़े से दिन रह गए हैं। तो इंसान को कुछ पता नहीं होता किस लम्हे उसका जो है वो बुलावा आ जाए अल्लाह ताला की तरफ से। बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो यहाँ पर मैं जो है अपना रमज़ान का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को वॉश करेंगे अच्छी तरह से। जो भी इंसान देखें, रूह इंसान जब किसी से मिलने जाता है, किसी दावत पे जाता है, कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करता है, कितनी अच्छी तरह तैयार होता है, खुशबू लगाता है, और हर तरह से वो सोचता है कि मैं जो है ना सबसे अच्छा लगूं और सबसे अच्छे मेरे कपड़े हों, सारे मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे पसंद करें। तो जब हम अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होते हैं तो क्यों ना हम इसी तरह से हाज़िर हों कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। तो मौसम इतना हसीन हुआ हुआ है, और मुझे लगता है कि अल्लाह पाक भी इस चीज़ की गवाही देता है कि मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जैसे शबान का महीना गुजरा है, लोगों ने इबादत की, रोज़े रखे, तो थ्रू आउट ही मौसम बहुत प्यारा रहा है। इसी तरह मैं, ये जुमे का दिन है जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे इस तरह लग रहा था कि जुमे वाले दिन, ज़ाहिर है वो ख़ास दिन होता है, और अल्लाह ताला मुझे ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा खुश है। इतनी प्यारी धीमी धीमी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही थी, और ये सारी अल्लाह ताला के खुश होने की निशानियाँ हैं। जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो वो मीह बरसाता है और मौसम भी बहुत प्यारा हो जाता है। आपने देखा होगा जब ताक रातें आती हैं, मौसम कितना प्यारा होता है, कोई जानवर ऊंची आवाज़ में नहीं भू रहा होता, हर तरफ इतना सुकून और खामोशी होती है। तो बस ऐसा ही एक समा था, तो मैंने कहा मैं अब ऊपर जाकर मौसम को भी इंजॉय करती हूँ, और साथ साथ अपने जो सारी ये चीज़ें हैं नमाज की, इबादत की, इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं पानी डालकर, सर्फ़ डालकर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भिगो दिया है, और ये मैं वॉश कर रही हूँ। रेहल जो जिस पे हम कुरान पाक पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे इसको लेके जाते हैं, हाथ लगते हैं मिट्टी वाले, ये इतना तो हमें नहीं लग रहा होता ये गंदे हुए में, लेकिन ये वाकई ही बहुत गंदे थे। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से इसमें से मैल निकलेगी सारी। तो इसमें मैंने एक डोंगा, जो भी पवा कहते हैं, मैंने ले लिया है, इसके अंदर पानी डालकर मैंने सब डाला, और फिर मैं अच्छे से गुलाफ मैंने पकड़ लिया है, जो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, वो भी साफ़ हो जाएगा, और रगड़ रगड़ करना मैं इस तरह से इसका सारा मैल उतार दूंगी। और आप देखें जब हम इसको पानी से वॉश करेंगे, ये कितना मैल है, ये सारा इसका मैल है। तो वैसे तो हमें ये लग नहीं रहा होता है ना कि ये मैले हैं, लेकिन ये वाकई मैली होती हैं चीज़ें, इनको हमें साफ़ कर लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी यहाँ पर ख़राब नहीं होगी इसकी। तो मैंने सर्फ भी इसके ऊपर, ये जो ब्रश है, अच्छी तरह से फेरा है ताकि सारी मैल वगैरह अच्छे से उतर जाए। तो ये छोटी छोटी सी तैयारियाँ अगर हम पहले कर लेंगे ना, तो हमारा रमज़ान का जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, और हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। तो आप कंप्लीट ब्लॉग को देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स हैं और बहुत अच्छी बातें हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कि मैं आपको ग्रीटिंग्स दे सकूं। पिछले वीडियो की जो ग्रीटिंग्स हैं वो जाती हैं रिजवी को मस्कत से, और इब्राहिम को पाकिस्तान से, सदफ़ हैं यूएई से। अगर आप भी चाहते हैं और मैं आपको ग्रीटिंग्स दूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, और अपना बताइएगा ज़रूर आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। चलें जी, वीडियो पर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर इन चीज़ों को भिगोए हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इनकी मैल अच्छी तरह से नरम हो गई होगी। अब इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, इस तरह से जो चीज़ें नाजुक हैं उनको हाथ से मल लेंगे, और बाकियों को ब्रश के साथ अच्छी तरह से आपने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि सारी चीज़ों की मैल निकल जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर तस्बीहों को भी मैंने भिगोया है, तो अब लोग ये कह रहे होंगे कि तस्बीहां कौन धोता है, तो मैं धोती हूँ, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है हाथ में इस्तेमाल हो रही होती हैं, जरासीम होते हैं, और अक्सर इन पर मैल लग जाती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो इनको भी वॉश कर लेंगे। और ये जब मैंने इनको वॉश किया, ये निखर के ना इतनी प्यारी हो गई, बिल्कुल सफ़ेद, इतना प्यारा इनका कलर निकल आया, और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब इस तरह से पानी में डाल डाल कर इनका सर्फ अच्छी तरह से निकाल देंगे, तो इस तरह से जिस तरह हम कपड़े वॉश करते हैं, इस तरह से हम इनको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इतनी ये चीज़ें उजली उजली हो जाएंगी ना, इतनी प्यारी, तो आपका ख़ुद इस्तेमाल करने को दिल करेगा और इबादत करने को दिल करेगा। फिर इनको खुले से पानी में डाल के ना, इस तरह से हमने जो है अच्छी तरह से
इनको एक साइड पे पानी इनका निकाल देना है और इस तरह से इनको हम ड्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो अगर रमज़ान से पहले हम कर लेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली रहेगी और टाइम भी सेव हो जाएगा हमारा और फिर हमें इबादत के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल सकेगा। तो अब जायनमाज की बारी आ जाती है। जायनमाज को भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के जिस तरह से भी आप साफ़ करना चाहें, क्योंकि मैल तो इसकी सॉफ्ट हो गई है, अगर ऐसा स्टफ़ है जिसके ऊपर आप ब्रश मार सकते हैं तो आप ब्रश फेर लें इसके ऊपर, अगर आप हाथों से साफ़ कर सकते हैं तो आप हाथों से साफ़ कर लें। तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेक कर ली है, जिस डायरेक्शन में मैं ब्रश इसको चला सकती हूँ तो मैं इस तरह से चला चला कर ना ब्रश को रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ कर लूँगी ताकि सारी मैल अच्छे से निकल जाए। तो फिर ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी सारी, बारी बारी हम सारी जायनमाजों को इसी तरह से कर लेंगे। इसको उल्टा करके भी अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है ताकि अच्छी तरह से सारी मैल उतर जाए। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसको दिखाते भी हैं और अपने अल्फाज का इजहार भी करते हैं, दिल से हम उसको ये सारे काम करके दिखाते हैं, तो ये अल्लाह ताला से मोहब्बत है। अगर हम इस तरह से पहले ही सारी तैयारी कर लेंगे और अपने अल्लाह ताला को रमज़ान में राज़ी करने की कोशिश करेंगे, वैसे तो हम मुसलमान हैं, हम पूरा साल ही ये कोशिश करते हैं हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हम अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर सकेंगे। तो ये तमाम ऐसे काम हैं जो हमारे रब को राज़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन कामों को वक्त से पहले कर लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारा अल्लाह भी राज़ी होगा। जब आप ये काम कर रहे हैं ना तब भी आपको सवाब मिल रहा है। अच्छे से सर्फ लगाने के बाद हमने डिप कर लेना है पानी में, और पानी में डिप करके जिस तरह हम कपड़े निकालते हैं गंदा पानी हमने फेंक देना है, और बारी बारी पानी चेंज करके हमने इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि सारा सर्फ निकल जाए। अच्छे से इनको हमने क्लीन कर लेना है और बार बार दो तीन बार पानी चेंज करेंगे और बहुत अच्छे से इनको क्लीन करेंगे तो आप देखिएगा कितने उजली उजली हमारी जायनमाज हो जाएंगी धुलकर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कम्फर्ट, इससे बहुत प्यारी इसके अंदर खुशबू आएगी। हम बाद में भी इनको खुशबू लगाएंगे लेकिन कम्फर्ट आप ज़रूर डाला करें, मुझे पता है आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर आप इसमें भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ठीक है, इसे हम बारी बारी करके मैं इन सबको अच्छे साफ़ पानी से निकाल लूँगी और फिर मैं खुशबू लगाकर इनको स्पिनर में डालूँगी। तो इस तरह से हमारे थोड़ी देर में ये जो जायनमाज हैं हमारी बहुत साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अब मैं इनको स्पिनर में डाल देती हूँ और स्पिन बारी बारी इनको स्पिन कर लेंगे और एकदम से नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी जो है ना वज़नी है। ये देखिए कितना साफ़ पानी निकल रहा है और हमने ये जो गुलाब हैं कुरान पाक के इनको भी ड्राई कर लिया है, कितने उजले उजले साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम इनको तार पे डाल देंगे और कुछ देर यहाँ पे जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो इनको हम क्लिप्स लगाएंगे। ये मैंने सारे एज पे डाल दिए थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ हवा बहुत तेज़ चल रही है, हो सकता है ये हवा से उड़ जाए इधर उधर, तो मैं इनको ज़रा नज़दीक कर लेती हूँ। फिर मैंने इनको क्लिप्स लगा दिए यहाँ पे और मैं इनको सीधा करके डाली थी मुझे क्योंकि इनकी तस्वीर लेनी थी, और इस तरह से फिर इनको ना अच्छी तरह से प्रॉपर मैनेज करके मैं इनको डाल दूँगी यहाँ पे। तो अब ये सूख गए थे और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद छत पर आ गई थी दोबारा से, ज़ोहर का टाइम है ये, और यहाँ पर जो है अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने कहा मैं नमाज़ नीचे ही पढ़ लेती हूँ तो ऊपर जाकर मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी और इन चीज़ों को भी संभाल लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर इनको तय कर रही हूँ और ये इतने प्यारे साफ़ सुथरे हो गए हैं, आप खुद देखें, ये देखें कितने प्यारे साफ़ सुथरे धुलकर ये चीज़ें हो गई हैं। अल्लाह ताला को सफाई पसंद है और हमें इन चीज़ों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी इबादत में वो लज्जत और वो अपनाइत वो चाहत पैदा हो सके जिससे हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो ये तमाम मैंने तय कर ली हैं। उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने लगी तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो इनको खुशबू लगानी थी, और आप सजदे वाली जगह पर इस तरह से इनको खुशबू लगा लें। ये मेरे हस्बैंड के पास थी मौजूद तो मैंने कहा मैं ये लगाती हूँ, ये इत्र है असल में, तो ये इनकी इतनी प्यारी खुशबू है, ये जो मैंने लगाया है ये अल्लाह के घर से आया था और ये मुझे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये जो दूसरी वाली है ये भी हमें गिफ्ट मिला था, ये दुबई से लेके आए थे एक भाई, इसकी भी खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो जब हम सजदे वाली जगह पे लगा देंगे ना इसको और जब हम सजदा करेंगे नमाज़ पढ़ेंगे आपको इतनी प्यारी धीमी धीमी खुशबू आएगी। आपके पास जो भी इत्र है जो भी खुशबू है आप इसके ऊपर लगाएं, बस उसके अंदर अल्कोहल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
फिर ना इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी और आपका नमाज़ पढ़ने को दिल करेगा, क्योंकि खुशबू अल्लाह ताला को पसंद है, हमारे नबी को पसंद है। तो अगर हम इसके ऊपर लगा लेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हमें इबादत करने में हमें खुशी महसूस होगी। तो इस तरह से फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर गुठलियाँ हैं जिन पर मैं कलमा पढ़ती हूँ, जिन पर मुख्तलिफ़ मैं आयात पढ़ती हूँ। तो बच्चे भी साथ बैठ जाते हैं मेरे साथ, तो मैं इनको भी खुशबू लगा रही थी और तस्बीह को भी खुशबू लगा कर मैंने इस तरह से प्यारी सी बास्केट में डाल लिया है। अब मैं इनको कैबिनेट में इस तरह से रख दूँगी। आपने भी इसी तरह से अपनी जानमालों को संभाल लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये घर में हर जगह फैली हुई होती हैं, कभी हमें कहीं से मिल रही होती हैं, कभी कहीं से मिल रही होती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं लगती। इस तरह से एक प्रॉपर जगह बना लेंगे और इसे महकती भी रहेंगी, खुशबू भी आती रहेंगी और इनमें से, और फिर हम अच्छी तरह अपनी इबादत कर सकेंगे, टाइम को सेव कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।